दुर्घटना शराब पीकर के गाड़ी चलाने वालों के चलते होती है, जरा सोच लीजिए कितनी बुरी चीज है। दारू पी के गाड़ी चलाएगा तो उसके बाद दुर्घटना होती है, मरता है और मारता है, तो कितना बुरा चीज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सब चीज लिख दिया और परिचय लिखे हुए बापू की बात, जो आपको कह दिया दहेज प्रथा और बाल विवाह, सब चीज को लिख करके नई पीढ़ी को भी दिखाइए, खुद भी बराबर पढ़िए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा को लेकर मुंगेर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि हवाई अड्डे पर पदाधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुलालपुर पहुंचकर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया। साथ ही सिद्ध पोखर और मंगरा पोखर पहुंचकर तालाब में मछली का जीरा डालकर जीविका दीदी को तालाब अर्पित किया। उन्होंने जीविका दीदी द्वारा लगाया गया स्टॉल का भी निरीक्षण किया। वहीं वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया। किला परिसर स्थित प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और जीविका दीदियों को चेक दिया। संग्रहालय से भगार में मुख्यमंत्री के द्वारा विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई। सर हाथ गर्भ हाथ पीछे करो। आप जानते हैं जो दुर्घटनाएं होती हैं, आप जो दुर्घटनाएं होती है तो उसमें क्या होता है, तो दुनिया भर में जितनी दुर्घटना होती है सड़क पर, उसमें से शराब पी करके वो जो गाड़ी चलाता है, तो जितनी दुर्घटना दुनिया भर में होती है उसमें 27% दुर्घटना शराब पी करके गाड़ी चलाने वालों के चलते होती है। अब जरा सोच लीजिए कितनी बुरी चीज है। दारू पी के गाड़ी चलाएगा तो उसके बाद दुर्घटना होती है, मरता है और मारता है, तो कितना बुरा चीज है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सब चीज लिख दिया और परिचय लिखे हुए बापू की बात, जो आपको कह दिया दहेज प्रथा और बाल विवाह, सब चीज को लिख करके नई पीढ़ी को भी दिखाइए, खुद भी बराबर पढ़िए, नई पीढ़ी को भी, पुरुषों को भी बताइए। सब जगह घूम घूम करके जो अपना काम करते हैं, तो हमने पिछले बार ही कह दिया, हम तो 12 जगह गए, हमने तो कह दिया कि भाई जो है समाज सुधार अभियान आप जारी रखिएगा, तो अपना काम भी कीजिए, परिवार को आगे बढ़ाइए, समाज को आगे बढ़ाइए, लेकिन साथ साथ समाज सुधार अभियान भी चलाते रहिए, लोगों को इन सब चीजों का सलाह देते रहिए। ये हमारा आपसे आपसे उम्मीद है। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज 5 को, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज 5 स्कोप ऐप।